स्वागत है इस कन्वर्सेशन में आपका। इतने इतने बड़े अंतराल के बाद लव यू सोनिया आ रही है, तो क्या वजह, लव यू अली आ रही है, एम सो सॉरी फॉर दैट, क्या वजह रहती है हिंदी फिल्म से दूर रहने की, क्योंकि आपके चाहने वाले यहाँ ज़्यादा है मैं यही समझता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली आई थिंक इट्स जस्ट हाउ इट्स टर्नड आउट कि मैं साउथ में मैंने बहुत काम किया है एंड तेलुगु, तमिल, कन्नडा, मलयालम काफ़ी फिल्में की हैं। गांधी माई फादर वॉज द लास्ट फिल्म जो मैंने 2007 में मेरी यहाँ रिलीज़ हुई थी। उसके बाद काफ़ी अरसे तक मैंने बॉलीवुड में काम नहीं किया, बट अभी जो मेरी फिल्म लव यू आलिया है विच इज़ ओरिजिनली फ्रॉम कनाडा बट इट्स बीन रीडन एंड री एडिटेड टू सूट दी बॉलीवुड ऑडियंस, तो वो रिलीज़ हो रही है अभी जून में। एंड जिससे अगर आप कम बैक कहना चाहते हैं तो वो MS धोनी है जो सितंबर में रिलीज़ हो रही है। रही बात बॉलीवुड से दूर रहने की, तो आई एम होपिंग कि अगर मुझे कुछ अच्छे रोल्स आते हैं डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद गुड टीम्स एंड गुड पीपल डेफिनेटली। ओके मैम, क्योंकि आपकी करियर की शुरुआत तमिल तेलुगु फिल्म से हुई, तो मतलब चाहत वहाँ ज़्यादा रही है या फिर यहाँ दिल लगता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट आई थिंक मैंने कभी इतना प्लान किया नहीं, जो कभी फिल्म्स आई मुझे अच्छी लगी मैंने कर लिया, तो वेदर इट वॉज हिंदी और तेलुगु और तमिल आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, जैसे एक रिवर के साथ बहते जाते हैं आप चल रहे हैं, सो वट एवर आई फाउंड वॉज इंटरेस्टिंग मैंने उन फिल्मों में काम किया है, उन टीम्स के साथ काम किया है जो मुझे लगी, खुश मिजाज जो होते हैं लोग उनके साथ काम किया मुझे अच्छा लगा। आई एम होपिंग बॉलीवुड में अगर अच्छे ऑफर्स आएंगे डेफिनेटली आई लव टू वर्क। क्योंकि एक एक्टर की भूख इतनी ज़्यादा होती है अच्छी स्क्रिप्ट को लेके, तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट यहाँ मिली नहीं या फिर आप बहुत सिलेक्टिव हो गई थी अलग अलग रोल्स करने के बाद तेरा नाम, क्योंकि एक एक जैसे क्या माइलस्टोन होता है किस्मत जो चीज़ होती है कि आई वॉज वेरी सिलेक्टिव, बट एक टाइम पे जब भी मैं जो फिल्म थी हैड साइंड, सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बोलते हैं ना जिसकी किस्मत में लिखा है, करीना ने किया एंड बहुत अच्छा काम किया, सो आई हैव नो दिस थिंग कि क्यों नहीं। उसके बाद माई ब्रदर निखिल आई वाज सपोज टू डू, देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स, मणिरत्नम सर की एक फिल्म थी, तो ऐसे ओवरऑल तेलुगु तमिल हिंदी में कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो बहुत ह्यूज सक्सेस हुई हैं एंड आई हैड साइंड दोज फिल्म्स वेटिंग कि अब मैं कुछ वक्त तक फिल्म नहीं करूँगी क्योंकि ये फिल्म होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या सिचुएशंस होती हैं फिल्म्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, तो वो गैप बढ़ता चले गया। एंड आई थिंक ये इंडस्ट्री का दस्तूर है या नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, ये शायद दुनिया ऐसे चलती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सो आई डिडंट डू अ फिल्म इन बॉलीवुड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज लाइक यू सेड आई वॉज वेरी सिलेक्टिव, जो फिल्म्स होनी थी वो नहीं हुई, तो वक्त बीतता चले गया। एंड अब जब मैं MS धोनी मैंने जो की, इट वॉज अ वेरी गुड टीम, इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म टू बी एसोसिएटेड विद एंड आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, सो आई गेस नाउ अगर अच्छे रोल्स आएंगे आई वुड लव टू वर्क डेफिनेटली। अगर लव यू आलिया की बात करें तो ये रोल कितना अलग रहेगा और क्या कुछ सीख पाई आप इसे, या फिर सिमिलर ही था कि चलो ठीक है एक एक, एक फिल्म और कर ली समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ था? नहीं, पहली बात तो ये फिल्म जो है ये मेरी बेबी डिलीवरी होने के बाद मेरी फर्स्ट फिल्म थी, सो एज सून एज आई हैड माई बेबी 6 महीने के बाद मैं काम कर रही थी एंड मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैं इस फिल्म में भी एक माँ का किरदार प्ले कर रही हूँ। मैंने ये फिल्म इसलिए भी की क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी जो थी इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स एंड वी सी अ लॉट ऑफ यू नो आजकल के रिश्ते बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, यू नो यू आर एसोसिएटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, ऑन you have your own YouTube channels and you're promoting yourself everywhere from Instagram to wherever. लेकिन आप दुनिया के इतने करीब होते जा रहे हैं, आपके लाइक्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर जो है खाली होते जा रहे हैं। तो आई द रीज़न आई डिड लव यू आलिया वॉज इसमें बहुत ब्यूटिफुल तरीके से रिश्तों के बारे में बताया गया है,
इट वॉज वेरी नाइस. ओके, मूवी का जैसे बात करें, क्योंकि शादी के बाद फिल्मों को टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता है. कुछ ऐसी फिल्में जो आपको लगता है कि 2015 या 16 में ऐसी आई कि उनका आप हिस्सा रह पाती, ऐसी कुछ फिल्में जो आपको बेहद पसंद आई हो? क्वीन. क्वीन. I think Kangana was brilliant in the film. She was absolutely brilliant. Mary Kom. Tanu Vers Mani Returns भी बहुत अच्छी थी. वो उसमें भी बहुत अच्छी थी. फिर मुझे Mary Kom भी बहुत अच्छी लगी. और बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी भी एक ऐसी फिल्म है जो I was supposed to do, जब बात शुरू हुई थी बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले, तो I was supposed to be a part of it. बाजीराव मस्तानी. But हाँ जी, even मुन्ना भाई MBBS. अरे बट लाइक आई सेड, जो जिसने भी जो जो फिल्म की है उन्होंने इतना अच्छा किया कि उसके बाद मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये फिल्म करती तो शायद बेहतर करती. नहीं, जिस जिस एक्ट्रेस ने ये जो जितनी फिल्मों के मैंने नाम लिए जिन्होंने काम किया इतना अच्छा किया कि आई हैव नो नथिंग टू से ओवर दैट. सो आई थिंक किस्मत भी होता है. वट एवर इज डिस्टाइंड टू हैपन इज गुड, वट एवर डजंट हैपन इज इवन बेटर. What makes you happy for films or for this industry? क्या चीज़ आपको बेहद जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है apart from ये stardom और fans वगैरह इनके अलावा? Stardom तो मुझे it's part of the deal. मैंने कभी film industry the reason I'm working, I'm just passionate about it. मुझे अच्छा लगता है. I like to be a part of the films. और मुझे लगता है कि film वर्ल्ड एक ही मीडियम है जहाँ सब टाइप के जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं एक साथ आते हैं, फ्रॉम आर्ट डायरेक्शन टू म्यूजिक टू क्लोथ्स, मेकअप, हेयर, डायलॉग्स, डायरेक्शन, एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इनटू वन बिग थिंग. और स्पेशली इन इंडियन सिनेमा इन द मिडल ऑफ कियोस वी टर्न आउट विद सच ब्यूटीफुल फिल्म्स. कोई ड्रीम रोल है आपका कि कोई भी पुरानी फिल्म जो आपको लगता है कि मुझे वो फिल्म का कुछ रीमेक बने तो मैं हिस्सा रहना चाहूँगा? ऐसा कुछ खास नहीं. अब काफ़ी फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. कागज़ के फूल है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड कुछ लास्ट 10-15 साल में भी बहुत सारी अच्छी फिल्म्स आई हैं, लाइक नेमसेक और लाइक आई सेड फैशन, सम ऑफ द फिल्म्स विच वर वेरी गुड. तो होता है एज एन एक्टर तो आपको लगता है कि आई विश आई कुड हैव डन दिस फिल्म, आई विश यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ वेरी गुड फिल्म, बट लेट्स सी. जी ओके मैम, द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि भूमिका मैम, अपने अपने व्यूअर्स और अपने चाहने वालों से आप क्या कहेंगी लव यू आलिया के बारे में, कि वो ये क्या क्या स्पेशल रहेगा आपके, मतलब आप तो हैं स्पेशल उसके लिए, उसके अलावा क्या रहेगा? Just go and see it because it's a nice film. It's based on relationships and I'm sure you'll connect with it. Aap sab connect karenge, so please go and watch it. वॉज माई रिएक्शन. मुझे डायरेक्टर जी का कॉल आया था. आर डायरेक्टर इज़ इंद्रजीत लंकेश और तब मैं बैंगलोर में ही थी और तब मुझे उनका फ़ोन आया था कि संगीता वी आर डूइंग दिस फिल्म और अगले 10 दिनों में हमको सेट पर जाना है और आई वॉन्ट टू साइन यू फॉर द फिल्म. और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा क्या एक्सप्रेशन रहा होगा? आई वॉज लाइक वाओ या सीरियसली, तो वेरी हैप्पी. जी नहीं, आई वुड हैव लव टू बी अ पार्ट ऑफ थिएटर एंड आई वुड स्टिल लव टू डू इट, बट मुझे एक्चुअली थिएटर से बहुत डर लगता है. मैं अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई थिएटर करने की. लेकिन ये था कि मेरा बैकग्राउंड मॉडलिंग का रहा है. मॉडलिंग मैं कभी करना नहीं चाहती थी, बट ये था कि शायद हाइट के वजह से मुझे काफ़ी मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते रहे और
काफ़ी मॉडलिंग होती रही, बट एट वन पॉइंट मैंने ब्रेक लेके सोचा कि मुझे तो हमेशा एक्टिंग करनी थी, मॉडलिंग करने में तो कभी दिलचस्पी थी ही नहीं. सो आई टुक अ ब्रेक, आई डिड अ कोर्स एक्टिंग वर्कशॉप, इट वॉज अ 10 डेज वर्कशॉप विथ मिस्टर नीरज काबी, ही इज़ माई टीचर. एंड उसके बाद में ऑडिशन, या फिल्म्स के ऑडिशंस दिए थे, एंड दैट्स हाउ आई. मुझे लगता नहीं है कि मैं फिल्म सेट की, स्पेशली फ्रॉम लव यू आलिया, कुछ भी भूल सकती हूँ. इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. सी, अव्वल तो सबसे अव्वल तो ये मेरी पहली फिल्म है और उसी वजह से ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए. एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल. देन भूमिका जी के साथ काम करने का मौका मिला. इतने स्वीट हैं वो, इतने अच्छे हैं, इतने इनकरेजिंग है. शुरुआत में मुझे डर लग रहा था कि मैं करूँगी क्या, पहला शॉट है और मेरे सामने भूमिका जी हैं, रवि सर हैं, इतने सीनियर एक्टर्स हैं और मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है. बट उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया, एंड मुझे अब कंफर्ट लेवल इतना है कि अब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ पूछना हो, मदद हो, तो मैं उनके पास जा सकती हूँ, उनसे पूछ सकती थी. और हम साथ बैठ के खाना खाते थे, इतना अच्छा रैपो हो गया था. एंड या आई हैव loved being there, I've loved doing the film, this one, and enjoyed the journey. Yeah. ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी भूख कभी मरती तो है नहीं. प्लस ये भी है कि कभी अपने काम से सेटिस्फाई होती नहीं हूँ. मुझे लगता है कि यार एक और टेक मिलता तो मैं और बेटर कर सकती थी. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता ही रहता है. आप अगर बोले किस तरह की फिल्में करना चाहती थी, तो चाहती हूँ तो ओके, आई एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कौन नहीं करना चाहता. बट अनुराग कश्यप की कोई फिल्म हो या यू नो, आई थिंक see, I want to explore, I want to be in the industry, I want to act, I love acting and I don't want to restrict myself for any kind of work. I mean, I'm just going with the flow, I'm enjoying this process and mujhe ye samajh mein aaya ki mujhe set par bahut acha lagta hai, mujhe acting bahut achi lagti hai and I am growing as an actor, I'm growing as a person and ye jo process hai na, main use enjoy kar rahi hu. I just want to do that. मैं अपने आप को कहीं से भी रोक नहीं रही हूँ. I'm not restricting myself कि मुझे इन्हीं के साथ काम करना है या उनके साथ काम नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं. चलिए, अच्छा, लव यू सोरी के बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स आलिया, लव यू आलिया, आई लव यू आलिया, बट इसके बाद कुछ और अभी साइन कर चुकी हैं या फिर अभी नहीं? नहीं, अभी तक साइन नहीं किया है मैंने, बट तेलुगु फिल्म के लिए बात चल रही है एंड होपफुली आई माइट साइन इट. और या डेफिनेटली हिंदी करना चाहती हूँ. आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ शॉर्ट फिल्म, अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट रिलीज ऑल्सो. एंड या थैंक यू सो मच, थैंक यू. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.